सिंध सरकार पारा बारन जे हकन बाबत जोड़े लिदारो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सिंध जे 19 जिलन में बारन मथा थींदड़ जिस्मानी या जहनी तशद्दुद नंढी उम्र में शादियों बारन का कारोबार कराएं बारन के पिनाएं समेत बारन जे हकन लायक कम करे रहे है। जै सिलसिले में सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजीमुर रहीम पारा असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी साइमा मलिक लीगल राइट्स फोरम के सीईओ मलिक ताहिर इकबाल LRF जी प्रोजेक्ट ऑफिसर महवेश सिन्हा बन के साण करे सखर लाड़कानो शिकारपुर जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ जिलन में वनी इन बाबत जिले सतह से जोड़ियल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी से डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में डीसीज बन मेंबर से गडजाणियों करे सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के वधीक असरायते अंदाज में सभी इदारन के गडियल तौर कम करण लाए जोर भरियो। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज में डेप्यूटी कमिश्नर ADCs, सेहत तालीम पुलिस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट विमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट समेत बन इदारन के फोकल पर्सन ऑफिसर्स शिरकत कई। अड़न गजाणियों में बारन के हकन वाले इदारे की असिस्टेंट डायरेक्टर साइमा मलिक पारा बारन के हकन ए कानून बाबत जामे ब्रीफिंग दिनी वही जैसे सवाल जवाब ए बहस मुबाहसा पिण थ जै दौरान बारन के वध खां वध तालीम दियारन समेत वालदेन में जागरता पैदा करण अड़े किस्म जा केस सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मुफ्त हेल्पलाइन 1121 ते रिपोर्ट करण लाए पिण जागरता मुहिम हलायण ते जोर भरियो। बारन के हकन वाले इदारे के डायरेक्टर जनरल पारा सखर में तामीर थींदड़ दारुल अमान दारुल इतफाल जो दौरो करे हलंदड़ कम जो जायजो पिण वरतो जै बाद शिकारपुर में कोऑर्डिनेशन कमेटी से गडजाणी करण बाद पंज जिलन अंदर सेव द चिल्ड्रन के सहकार से सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से कम कंदड़ लीगल राइट्स फोरम के शिकारपुर में कायम चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो दौरो करे अमले से मुलाकात कई शिकारपुर में हलंदड़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स बाबत मुख्तसर ब्रीफिंग वरती। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की गडजाणी बाद सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के डीजी लीगल राइट्स फोरम के सीईओ मलिक ताहिर इकबाल से गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान समूरे दौरे जो अहवाल पिण सहाफिन के दिनों चाइल्ड राइट कन्वेंशन जो है वो 1989 में इसको साइन किया और इसके नतीजे में जो है लेजिस्लेशन जो है पाकिस्तान में मुमकिन हुई कि चाइल्ड बच्चों के हकूक के तहफ़ के लिए कवानीन जो है वो नाफिज बनाए जा सके उसे नाफिजुलमल किया जा सके। 18 अमेंडमेंट के बाद 2010 में ये बच्चों के हकूक के तहफ़ के बारे में जो चैप्टर है ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आया और 2011 में सिंध गवर्नमेंट ने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको नाफिजुल अमल किया लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे इसके रूल्स बनने में कुछ अर्सा लगा और वो 2016 में जाके रूल्स बनने और 2017 से फिर इस अथॉरिटी ने बाकायदा अपना काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पे जो है वो ये इसको जो है थोड़ा हम पूरे सिंध में नहीं फैला सके और ये महदूद रहा सिंध के पाँच और सात अजला तक। उसके बाद इसमें जो है वो बेहतरी आनी शुरू हुई और इसके बाद आज हम इस स्टेज पर माशाल्लाह कि हमारे 29 सिंध की डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हमारे ऑफिस कायम हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर पूरे वहाँ पर नामजद हो चुके हैं काम कर रहे हैं। सरकार सिंध कैबिनेट ने डिसीजन लिया और उसके नतीजे में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई बच्चों के हकूक के तहफ़ के बारे में जिसकी सरबराही सौंपी गई डिप्टी कमिश्नर को और उसमें ज़िले का SSP प्रिजन का नुमाइंदा लेबर का नुमाइंदा सोशल वेलफेयर का नुमाइंदा हेल्थ और एजुकेशन और दीगर जो इदारे जो कि बच्चों के हकूक के तहफ़ के बारे में अहम मुकाम रखते हैं या कोई उनका जो सरकारी तौर पर कोई रोल है उनको एज ए स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड लिया गया और अब माशाल्लाह ये मैं अभी दौरा करके आया हूँ सखर शिकारपुर अभी मैं आपके पास आया हूँ जैकबाबाद तो मैं ये मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि ना सिर्फ यहाँ की मुकामी इंतजामिया उनके साथ पूरा तआमुन कर रही है और ये कि वो इदारे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। असल में तो ये बच्चों के हकूक का तहफ़ जो है वो कोई ऐसा मैं कहूँ कि ये ऐसा काम कोई बिल्डिंग टाइप का तो नहीं है लेकिन ये नेशन बिल्डिंग ज़रूर है क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो हमारी जो है फ्यूचर हैं हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अगर इनके हकूक की तहफ़ और प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी इतना ताबनाक नहीं होगा जाहिर सी बात है। और एज ए सरकार और एज ए आम पब्लिक हमारी समाजी माशरती मजहबी
और इखलाकी की तमाम जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के हकूक के तहफ्फुज़ को जो है मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाएं। जैकबाबाद में कोरोना वबा का बचाव खातिर 16 स्कूल्स में तामीर करायल वाटर टैंक्स ए वॉश बेसन्स जो इफ्तिताह पुलिस हेडक्वार्टर स्कूल में कयो। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजीमुर रहीम मेओ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट जैकबाबाद में लीगल राइट्स फोरम जे अमले सा गडजानी बाद जैकब न्यूज सा विचार वंडींदे चयो था। जी, ये जो हमने सक्कर शिकारपुर जैकबाबाद का दौरा किया तो इसका मकसद ये था कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में लोगों को आगाही दी जा सके कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे काम कर रही है। और इसके साथ साथ इसका दूसरा मकसद ये था कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में यूनिट्स हैं उनको देखना, उनको फाल बनाना, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करना और उनका जो इस दूसरे गवर्नमेंट के जो दीगर इदारे उनके साथ और जो NGOs जो हमारे साथ काम कर रही हैं, जिन्होंने हमारे साथ काम करने के वायदे किए हैं, जिसमें LRF भी शामिल है, तो इनके साथ इनके रवाबित को मज़ीद बेहतर बनाना था और इस पॉलिसी पर गौर करना था कि किस तरह से इस काम में तेज़ी लाई जा सके और बच्चों के हकूक़ के तहफ़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। मैंने जी एक साल पहले मैंने ख़ुद यहाँ से इनके साथ काम शुरू किया था और MOU किया था साइन, क्योंकि जब मैंने इनके अगराज़ व मकासद देखे तो वो बहुत बहुत बड़ी हद तक जो है वो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो अगराज़ व मकासद हैं उसमें तकमील में बड़ी मदद दे रहे थे। तो हमने इनके साथ काम किया तो हमें बड़ा अच्छा तजर्बा हुआ और हमें बहुत सपोर्ट मिली, खसूसन ये जो हमारी बैकवर्ड ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नॉर्दर्न सिंध की हार्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें काम करना एक मुश्किल अमल था जिसको इन्होंने बाखुशी बासलूबी और बासन तरीके के साथ इन्होंने अंजाम दिया, जिसके नतीजे में हमें बहुत टेक्निकल सपोर्ट भी मिली और जो हमें मॉरल सपोर्ट है वो भी हमारी बूस्ट हुई। देखें, मैं आपको बताऊँ इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। सोशल वेलफेयर के अफसरान समाजी बहबूद के काम जिसमें बच्चों के भलाई और हकूक़ का जो है वो काम पहले से कर रहे थे, तो एक तरह से ये आप समझें कि ये इनको ट्रेनिंग और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें कम पैसा और कम वक्त ज़ाया करना पड़ा बनिस्बत इसके कि हम मार्केट से लेते और उसको उस पर पैसा और मेहनत खर्च करते। और उसकी दूसरी वजह ये थी कि ये काम होगा ज़रूर, क्योंकि जो बात है वो है कि हमने अपना अमला रखना है, लेकिन हम पुराने अमले को और तजर्बेकार अमले को एकदम से, क्योंकि हमें काम शुरू करना था 2011 का एक्ट था, 16 के रूल से 17 से अथॉरिटी चल रही थी, लेकिन हमें काम में तेज़ी लानी थी तो हमें तजर्बेकार लोगों की ज़रूरत थी ताकि इस काम में तेज़ी लाई जा सके। क्यों, और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो होता है वो उसमें काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चार्ट बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उनकी तालीमी काबिलियत तजर्बा एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखना होता है, फिर उसके बाद उनकी भर्ती होती है। आपको पता है कि 1 से 16 जो है वो डिपार्टमेंट करता है, 16 से अबव जो है पब्लिक सर्विस कमीशन चलाया जाता है जिसका अपना प्रोसेस है, डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी का अपना प्रोसेस है, और ये सारा प्रोसेस जो है मिलकर टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अपने जो हैं वो एम्प्लॉज़ होंगे और वो काम कर रहे होंगे। देखें, सबसे बड़ी कामयाबी तो ये कि हम यहाँ आज खड़े हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि आप मीडिया उसके वाकिफ़ हो गया है, आम आवाम उससे वाकिफ़ हो गई है, लोगों को पता चल रहा है, लोगों में शऊर आ रहा है कि भाई ये बच्चों के हकूक़ का हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है, इनका मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप माइंड सेट को चेंज कर दें बिल्कुल, कि एक माइंड ये हो कि बच्चों को आप जो है वो कोई अहमियत ना दें, अपने मुस्तकबिल को कोई अहमियत ना दें, उनके मुस्तकबिल को कोई अहमियत ना दें, और कहाँ एक वक्त ये है कि अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चों के हकूक़ क्या हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, उनके लिए बेहतरी के लिए क्या कर रहे हो, इससे बड़ी चेंज और क्या होगी। देखें जी, बिल्कुल मैं तो उनको दाद देता हूँ, देखें इंतज़ामिया को, क्योंकि इंतज़ामिया की मदद के बग़ैर कोई भी शख्स जो है कोई भी इदारा हिल नहीं सकता। आप लोग तो रिपोर्ट करते हैं, आप लोग तो मीडिया का पता है, आप देखते हैं कि आपकी ख़बरों पर एक्शन हो रहा है और इंतज़ामिया उन लोगों को जो है जो बच्चों की ज़बरदस्ती या जल्दी शादियाँ करा रहे हैं या बच्चों के साथ कोई जिस्मानी तशद्दुद या ज़हनी तशद्दुद में मुलव्विस हैं, आप देख रहे हैं कि केस रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं, इंतज़ामिया उसको परस्यू भी कर रही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी उसको परस्यू कर रही है, तो ये सब मिलके मैं कहता हूँ माशरे की जो है इज्तमाही ज़िम्मेदारी है, बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है, इसमें एक अकेला बंदा जो है ना कोई कुछ नहीं कर सकता कि मैं सारी ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया में डाल दूँ या इंतज़ामिया सारी ज़िम्मेदारी चाइल्ड प्रोटेक्शन में डाल दे और हम सारी ज़िम्मेदारी किसी और पर डाल दें, तो इससे कोई मसले का हल नहीं है। ये तो सबने मिल के करना है, दस्तों बाजू बनना है एक दूसरे का, क्योंकि बच्चे सांझे हैं, सबके हैं, ये नहीं कि मैं कहूँ मेरे बच्चे और तेरे बच्चे, ये हम सबके बच्चे हैं, तो जब हम सबके बच्चों का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो हम सब ने मिल के काम करना है ना, उसमें कोई अच्छा करेगा, कोई थोड़ा बुरा करेगा, कोई थोड़ा स्लो करेगा, कोई थोड़ा फास्ट करेगा,
जो स्लो कर रहे हैं उन्हें फास्ट करना होगा, जो फास्ट कर रहे हैं उन्हें मजीद फास्ट करना होगा कि भाई हम और तेजी के साथ इसमें बेहतरी ला सकें। जनेता लीगल राइट्स फोरम जे सीईओ मलिक ताहिर इकबाल जैकब न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार कुझु हिन रीत वंडिया आहिनि। सबसे पहले हम जैकब न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पूरा दिन हमारे साथ रहे, इन्होंने तमाम एक्टिविटीज़ को कवर किया। और उसके साथ साथ लीगल राइट फोरम हमेशा बच्चों के हकूक के हवाले से सेव द चिल्ड्रन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ लीगल राइट फोरम ने एमओयू साइन किया और उसके तहत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन चाइल्ड राइट को एक्टिवेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के हवाले से टेक्निकल इनकी मदद करने के हवाले से इनकी हमने सपोर्ट की। इसी तरह हमने ये देखा कि लीगल राइट फोरम ने इसी के साथ सिंध टीवी के ऊपर और एफएम रेडियो के ऊपर मैसेज अवेयरनेस दिए, जिन लोगों को बच्चों को किसी भी राइट से मसला है तो वो केस रिपोर्ट करें। और हमने ये देखा कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए और हम मुतमिन हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने हमारी मदद की और उसके साथ रेलिवेंट डिपार्टमेंट पुलिस है, लेबर है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और उसके साथ पुलिस है और प्रिजन है, उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी को स्ट्रेंथन करने के हवाले से भी रोल प्ले किया। हमने डेस्क इस्टेब्लिश की है यहाँ पे इन ऑफिसेज के अंदर और केस को रेफर करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, गवर्नमेंट सिंध, लीगल राइट फोरम, सेव द चिल्ड्रन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर और उनके तमाम रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है, वो वोमेन हो, एजुकेशन हो, लेबर हो, हेल्थ हो और पुलिस हो, प्रिजन हो, के साथ मिलकर हम बच्चों के हकूक के हवाले से बेहतरी लाने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं और मजीद इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, मदरसा के टीचर्स हैं, उनको बेहतर करने के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकें हम। लीगल राइट फोरम ने बुनियादी तौर पर जब से ये यूनिट बना है, इसको एक साल हो गया है, एक साल का जो डाटा हमने कलब किया था जो लीगल राइट फोरम ने सेव द चिल्ड्रन की तावन के साथ बनाया है और सिंध गवर्नमेंट के साथ, इस यूनिट की मदद से जो डाटा हमें मिला था उसके अंदर ये था कि 25 बच्चे नहर में डूब के मर गए थे। इसी तरह कम उम्र की शादी के 4-5 केसेस थे, स्कूल एजुकेशन के केसेस थे, लेबर के केसेस थे, चाइल्ड लेबर के। तो उन केसेस की बुनियाद पर वो डाटा हमने डिप्टी कमिश्नर के साथ भी शेयर किया तो डिप्टी कमिश्नर ने 144 लगाते हुए पुलिस को भी ये नोटिस जारी किए कि वो पुलिस डिप्लाई करे और नहर के ऊपर लीगल राइट फोरम को ये हुक्म दिया गया था डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बोर्ड लगाए अवेयरनेस के हवाले से कि यहाँ बच्चे ना नहाएं, गहरी नहरें डूब के मर जाते हैं। तो इस साल के डाटा से ये मालूम होता है कि इस साल डाटा कोई भी एक बच्चा की डेथ नहीं हुई नहर में नहाने की वजह से। तो हम ये समझते हैं कि लीगल राइट फोरम की अवेयरनेस की वजह से, डिप्टी कमिश्नर SSP के ऑर्डर की वजह से जब हमने बोर्ड लगाया और लोगों को पता चला और पुलिस भी वहाँ डिप्लॉय थी, इस वजह से वहाँ पर यह कमी आई। इसके साथ जो लेबर के इश्यूज़ हैं डेफिनेटली शिकारपुर, सखर, जैकबाबाद में बहुत कम है। DCC मीटिंग में आज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर भी हमने ये देखा और एक 2-3 इश्यूज़ आइडेंटिफाई हुए, जिसमें अहम इशू ये था कि शिकारपुर के अंदर लेबर का ऑफिसर ही मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्ट के कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो उनको डिप्टी कमिश्नर की तरफ से खत भी लिखे जाएंगे ताकि उन जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है ऑन चाइल्ड, उसको बेहतर किया जा सके। और इसमें हम ये समझते हैं कि लीगल राइट फोरम की जो टीम है, सजाद लुलाई हैं और उनके साथ पूरी टीम जितनी भी है, वो बेहतर अंदाज से काम कर रही है, हम उससे मुतमिन हैं। और हम ये समझते हैं कि बच्चों के हकूक़ के हवाले से लीगल राइट फोरम एक अहम किरदार अदा कर रही है, जिसमें सेव चिल्ड्रन की सपोर्ट है और हुकूमत सिंध के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी हमें इसमें भरपूर मदद हासिल है। थैंक यू जी। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लीगल राइट्स फोरम जैकबाबाद सज्जाद अली लोलाई प्रोजेक्ट के बारे में बुधायो था। बुनियादी तौर से लीगल राइट्स फोरम 2019 का जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट में कम करे पी। एक मेन जो असो प्रोजेक्ट है चाइल्ड बारन के तहफ़ से प्रोजेक्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन जो, उन तहफ़ के प्रोजेक्ट में अस मुख्तलिफ लेवल्स से कम क्यों पा। अस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से गड़ी कर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी नेटवर्क जो वो डेवलप किया, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कई। उन गड गड अस कम्युनिटीज़ में वही गोठन में वही गोठानी सतह से बारह के तहफ़ जो कमेटीज़ 50 कमेटीज़ टाइम जैमें 25 कमेटीज़ जो फीमेल पेरेंट्स से मुश्तमिल हुई 25 कमेटीज़ जो मेल पेरेंट्स से मुश्तमिल हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 चिल्ड्रन क्लब्स बारन जहाँ ग्रुप जो अस ठाया 25 बॉयज़ जन उन 25 गर्ल्स उन कमेटीज़ की जो अस मुख्तलिफ वक्त ट्रेनिंग्स करायूसी बारन के हकन बाबत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स बाबत ए ज़िले के अंदर बारन के हकन की दादरसी या कड़ा कड़ा इदारा उन ट्रेनिंग्स करायूँ तो जी वो डायरेक्ट जो पैंजा मसला जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से या बिया जी दादरसी या इदारा उनके जो पैंजा मसला रिपोर्ट कर सकन। उन सा गड़ो गड़ असा इतने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक्टिवेट करायोसी उनके टाइम टू टाइम जो उनकी भी असा ओरिएंटेशन कराईसी
उन चाइल्ड राइट्स डेस्क पुलिस डिपार्टमेंट में चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेस्क है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डेस्क है, असि हेल्थ डिपार्टमेंट में डेस्क है। तो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथन करने लाइ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की असि मीटिंग घुराई मीटिंग कराई हुई सी, तो जी ये सभी जो इदारा ये गजी कर पाँच एफर्ट्स वन तो जो बार वो बचाव कर सकते। उन गो असि अवेयरनेस कैंपेन भी हल पी तो जहाँ जिस्मानी सजा मिली बार मार न प्यार के नाले से अस चाहूँ पा तो हर लेवल से बार के मार न मिलन घुर्जे घर के अंदर स्कूल के अंदर गलियों के अंदर पार्क्स के अंदर प्ले ग्राउंड के अंदर असो बाहर वो महफूज रहे छो जो चाइल्ड जो वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बार जो ना वो असा सभी जो बार है तो बार कौम जो मामार है। इन असि कंपेन हल पी सिविल सोसाइटी से गड जेकब न्यूज़ जब असा थोड़ा आए उन असि कैंपेन के जो इलाही हथी वटाई है। कोविड का पे जो अस खोड़ सारियों अवेयरनेस कंपेन भी हलूँ सी उन गो गु 16 स्कूल में जेकबाद डिस्ट्रिक्ट में असा हैंड वॉशिंग स्पेसिस ठाया जिते बारन के हथन धोने जो फैसिलिटीज असा उन्हें दिन्य तकरीबन जो 13,000 का असा हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। हर किट में 5 साबुण उन में 3 सैनिटाइजर जो वो हुजन पाया। तो ये असि कोशिश ये है तो लीगल राइट्स फोरम पैंजे कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करे पई सभी स्टेक होल्डर्स के सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस एजुकेशन हेल्थ लेबर सभी से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करे असि हर मुमकिन कोशिश ये है तो बार जो ना वो महफूज रहे हर किस्म के तशद्दुद का वायलेंस का अदम तवज्जो का उनका जो भी बुनियादी हक हैं उनका मीट किया वन। थैंक यू सो मच। सिंध में बारन सा जिन्सी डाढ़ाई नंढी उम्र में जबरदस्ती जो शादियों संग चटी समेत केतरा ही कीस थींदा पया आया जैंखे बुंजो दियण लाइ ही इदारो कायम कयो वियो आहे जिते एक साल अंदर केतरा ही वाकया रिपोर्ट थिया जनते बेहतर तरीके से कम करे मुतासिर बार ए खानदान की मुफ्त कानूनी मदद पिण कई वही मुआशरे में बारन लाइ खतरो बणियल कुंद जहन ने वहशी सिफत इंसानन के कानून जी पकड़ में आने कैफरे किरदार ताई पहुंचाण में तवा ए असा सभरी के गज्जी किरदार अदा करणो पवंदो। कैमरामैन सलीम बलोच सा गद मोहम्मद मूसा चांडियो जैकब न्यूज़ जैकबाबाद।